कृपया विराजमान हो जाइए. हाउ आई एम लुकिंग गाइस, आई एम लुकिंग गुड. थैंक यू. देखा आपने क्या, होस्ट हैंडसम हो, स्मार्ट हो, हाँ. पब्लिक के पैसे वसूल रहते हैं. खुश रहती है पब्लिक. और शो ही नहीं, आप देखो जितने भी हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस होते हैं ना, वहाँ होस्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. Yeah. आप कभी गौर करना भी, किसी बड़े बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाओ ना, एक लड़की आएगी सूट में या यू नो साड़ी में खूबसूरत, हाउ मे हेल्प यू सर, मैं फ्लैट देखना था. तो फ्लैट से पहले पूछेगी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी सर. आदमी उस कॉफी के चक्कर में ना फ्लैट तो खरीदता ही खरीदता है, पार्किंग के भी 10 लाख दे बैठता है. 10 लाख पार्किंग का दे दिया, गाड़ी भले उसके बाद 2.5 लाख वाली हो, फिर वो जो कॉफी पिलाई होती है ना साड़ी वाली ने, वो सारी उम्र उसके पेट में गैस करती है. वहीं आप किसी लोकल ब्रोकर के ऑफिस चले जाओ, वो मिलता ही नहीं क्योंकि सारे काम खुद ही कर रहा होता है, और उसका लड़का बैठा होता है जो मोटरसाइकिल की चाबी से अपना गुटका निकाल रहा था. हाँ जी मैडम, साफ तो है नहीं अभी, बैठे ना इधर. आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखो, वेटर नहीं मैनेजर खुद आएगा, वेलकम सर, प्लीज कम सर, दिस इज फॉर यू सर, सीट उसकी कुर्सी निकालते हैं. अच्छा जो आदमी सूप पीने आता है ना, वो भी बटर चिकन ऑर्डर कर देता है, टिप में भी 100-200 दे के जाता है, क्योंकि सेवा इतनी हुई. यहीं आप चले जाओ कहीं सड़क के किनारे जो ढाबे बने होते हैं ना, वहां पे हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली होती. सारे वेटर इधर उधर भाग रहे होते हैं, आदमी परेशान होता है ऑर्डर किसको दूं, एक को बोलता है भाई साहब सुनिए, वो आगे बोलता है भाई साहब की सुनना. वो आदमी बड़ी बेइज्जती से फील करता है. फिर बेचारा ना खुद ही कोई कुर्सी ढूंढ के ना बैठ जाता है, फिर जो भी वेटर निकलता है उसको स्माइल करता है कि शायद सुने हाय. फिर वो दूर जो मालिक बैठा था ना गल्ले पे, उसको इशारों में बात कर रहा था. वो भी दूर से इशारे करता, भीड़ बहुत ऐसे बताता है. वो फिर लगाता है, फ्लाइट है मेरी. हमारे गांव खेड़ों में कोई मेहमान आ जाए ना, उसकी मेजबानी बड़ी कमाल की करते हैं, ये खाओ वो खाओ. पहले पहले तो मेजबान हाथ जोड़ रहा होता है, फिर एक टाइम आता है मेहमान हाथ जोड़ता है कि बस कर भाई, मैं इतना नहीं खा सकता. इतना ख्याल रखते हैं. मुंबई जैसे शहर में ना तो जगह है, ना ही लोगों के पास टाइम है. तो मेहमान आता है ना पार्टी में, खुद ही बुलाया होता है, खुद ही बोल देते हैं सो गुड टू सी यू, फील एट होम. उसका मतलब होता है कि जैसे अपने घर में खुद चीजें उठाता है, यहाँ पे भी खुद ही उठाना, हम नहीं तेरे बाप के नौकर नहीं लगे हुए. कुछ घरों में जब पार्टी होस्ट करते हैं ना, तो वहाँ गेस्ट आने से पहले बड़ा सजा के रखते हैं घर, कटलरी सेट ये वो सब, ड्राई फ्रूट बगा के, और फोन भी करते हैं, हाँ आपको एड्रेस पूछने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ड्राइवर भेजू नहीं, बड़ा कायदे से करते हैं. कुछ लोग ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं गेस्ट के साथ, हाँ किधर पहुंचे, जेपी रोड, अच्छा सुनना वहां पे मंगल कचौरी वाले से 20 कचौरी लेते हैं ना, और सुन ड्रिंक कौन सी पिएगा. वो आदमी बोलता है नहीं नहीं मेरा क्या, जीजा जी बिलासपुर से आए हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा. उसको पता है जो कचौरी मैं खाता नहीं वो भी मुझसे मंगवा रहा है, अगर मैंने इसको ड्रिंक बता दी ये तो बेवड़ा 6 बोतल मेरे से ऑर्डर करेगा. हॉस्पिटैलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो एयर होस्टेस को देख लो आप, प्लेन में जाओ कितने प्यार से स्वागत, बीवियां नहीं करती इतना स्वागत, हेलो सर, वेलकम टू द एयरलाइन सर. गरीब आदमी के पैसे वहीं वसूल हो जाते पूरे. उसके बाद जब जहाज उड़ता है ना, टर्बुलेंस होती है, तो आदमी की घबराहट होती है, वो फिर आके पास पूछती है मे हेल्प यू सर, उसी से वो शांत हो जाता है. और कई साल तक मे हेल्प यू सर सोच सोच के जिंदगी काट देता है. टीवी शोज आप देखो, टीवी शोज में होस्ट का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप देखो पहले कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था, जिसमें वो खेती बाड़ी के बारे में बताते थे ना, उसमें होस्ट ऐसा होता था जो खेती बाड़ी के बारे में जानता हो. उसको पहनाते भी धोती कुर्ता थे ताकि लगे कि सीधा खेत से आया. वो अलग बात है, अंदर एसी स्टूडियो में बैठ के उसके घुटनों पे कपास जम जाती थी. कहने का मतलब ये है कि जैसा प्रोग्राम होता है वैसा ही होस्ट होता है. इसलिए आज हमने अपने शो पे गेस्ट नहीं होस्ट बुलाए हैं, 5 ब्यूटीफुल होस्ट आज हमारी गेस्ट है. चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम रेणुका शाहने जी, मिनी माथुर, ऋचा अनिरुद्ध, दीप्ति भटनागर और परिजात कोला मार्शल. परिजात के लिए जोरदार तालियां हो जाए. हाय परी, वेलकम वेलकम. दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज की मेहमानों के लिए. रेणुका जी, मिनी जी, ऋचा जी, दीप्ति जी, परिजात, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. अच्छा इसमें परिजात हमारे शो पे पहली बार आई हैं, दीप्ति जी पहली बार आई हैं, ऋचा जी पहली बार आई हैं, मिनी जी पहली बार आई हैं, रेणुका जी तीसरी बार आई हैं. इसलिए नहीं ज्यादा स्माइल कर रही, इनकी स्माइल वैसे बड़ी खूबसूरत है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं.
हमने तो ये भी सुना है, कहते आशुतोष सर ने कभी किसी को स्माइली भेजना हो ना व्हाट्सएप पे, तो वो रेडीमेड वाला जो फोन में होता है वो नहीं भेजते, वो आपकी फोटो भेजते हैं। फोटो भेजते, मुझे लगा मुझे ही भेजते। मिनी जी को आप सब जानते हैं, ये वीजे हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स होस्ट किए हैं, ब्रायन एडम्स, रिचर्ड गियर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ये इंटरव्यू कर चुके हैं। सोनी के साथ इनका रिश्ता इतना पुराना है कि इंडियन आइडल के पहले दो सीजन इन्होंने ही होस्ट किए हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान का ये डेली इंटरव्यू करती हैं। कहाँ थे तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मतलब इनके हस्बैंड हैं। सो जोरदार तालियां मैम, क्या बात है। आपने सैकड़ों लोगों को होस्ट किया है, आज आप खुद गेस्ट बन के आई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतनी रिलीफ महसूस हो रही है, पहली बार मैं एक शूट पे आई हूँ जहाँ मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना पड़ा, याद हाँ। नहीं करनी पड़ी लाइनें, रिसर्च नहीं करना पड़ा, इट वाज लवली, इट्स अ स्पा फॉर द माइंड। ओह वाओ, वेलकम मैम, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, इतने बड़े बड़े शोज कर लिए, अब आपको लगता नहीं है मिनी माथुर चेंज करके लार्ज माथुर बोलना चाहिए? मुझे बहुत बार कहा गया है कि अब आप मेजर माथुर या मैक्सी माथुर हो जाएं, लेकिन वो बहुत अब क्लीशे हो गया है। आई थिंक मैं हो रही हूँ मेजर मैक्सी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। रिचा जी बैठी हैं प्यारी स्माइल के साथ, जानी मानी टॉक शो होस्ट हैं, जिंदगी लाइव नाम का इनका शो, बड़ा पॉपुलर शो आता है। एक तो ये दिखती इतनी प्यारी है, ऊपर से इतने प्यार से सवाल पूछती है ना कि बताने वाला कभी कभी अपना ओटीपी पिन भी बता देता है इनको। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया, एक बार तो इन्होंने आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था। नौ दस की बात होगी। उस समय आपने सोचा था जिस बंदे का आप इंटरव्यू कर रही हैं ये एक दिन अपना शो बनाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा? और इतना बड़ा आदमी तो क्या है, मतलब ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रही हैं? इतना बड़ा, हाँ, यस, इतना। अरे मुझसे भी बड़े बड़े थे, लोग खा गए उनको। प्रिजा, यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट? There was a person very handsome, Mr. Navjot Singh Sidhu, was a cricketer also. How can we ever forget him? Yeah, she ate him without sauce. Oh my God! दीप्ति जी बैठी हुई हैं, दीप्ति भटनागर किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, इतनी कमाल की एक्ट्रेस, मॉडल के साथ साथ टीवी पर यात्रा नाम से इनका फेमस शो भी आया करता था, yes. जिसमें ये धार्मिक जगहों पर ले जाती थी, तो आपको क्या लगता है आज आपको उसी का पुण्य मिला है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, पता, मैं जब से बॉम्बे आया हूँ, मैं जैसे मिनी जी से मिला हूँ, रिचा जी से मिला हूँ, परिजात के साथ तो मैंने पहला शो ही शुरू किया था। आप मैं क्योंकि घूमती रहती हूँ। हाँ। सब जानते हो कि मैं ट्रैवल शो भी होस्ट करती हूँ, तो आई नो आपने, मैंने अराउंड 90 कंट्रीज शूट की, ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ जिस रूप में ईश्वर इस धरती पर वास करते हैं, तो मैं उन सब जगह पर जाकर वहाँ मैं माथा टेक कर आई हूँ, तो मैं घूमती ही रहती हूँ। 90 से ज्यादा देश ये घूम चुकी हैं। आपका सच्ची शो बनाने का मन था कि दूसरों के खर्चे पे घूमने का मन था? So they say that it's the best job, you know, travel show hosting is the best job. You get paid to travel. Yeah. ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रही हैं, फिर भी ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, घर से सूटकेस लेके जाओ। कई लोगों की तो ऐसी नौकरियां लगी हैं, मतलब कहीं जाते ही नहीं, बैठे रहते हैं उधर ही, बैठे बैठे छाप रहे हैं। अरे मौत से आती हूं यार, नहीं करेंगी, मतलब देखो अपनी अपनी किस्मत है। मौत से इतनी दूर से आती हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा, उतना भी ना करना भैया, मठ में सेट लगा लें, का पानी में सेट लगा दें, फ्लोटिंग शो करें। पर दीप्ति जी मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, जब आप ये शो करती थी ना यात्रा, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो मेरे सामने गोवा की टिकट बुक कर रहे थे, आपको देखा हरिद्वार गई हुई, वो कैंसिल करा के हरिद्वार चले जाते थे। फरीदाबाद को मैं लाफ्टर चैलेंज के टाइम से जानता हूँ, पहला ही मेरी जिंदगी का शो जब मैं मुंबई आया और फरीदाबाद उसमें होस्ट थी, वो अलग बात है, जब मेरी परफॉर्मेंस होने लगी पता चला फरीदाबाद थी नहीं, तो फरीदाबाद मम्मी बनने वाली थी उस समय, मम्मी बन चुकी थी एक्चुअली, 2-3 महीने की बेबी थी आपकी। कहाँ है वो आज यहाँ, इतनी बड़ी हो गई, 15 साल की। वाह, फरीदाबाद में कोई फर्क नहीं आया 16-17 साल में, वैसी की वैसी है ये, आप टाउन साइड वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता समय का। एक्चुअली आपके शो देख देख के आई हैव बीन लाफिंग एंड सी कोर मसल्स स्ट्रांग हो गए हर्स, यस,
But seriously, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपके शो पे बैठी हूँ. थैंक यू परी. हमारी शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज शो के मंच पर एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वाज होल्डिंग द माइक एंड इंट्रोड्यूसिंग कपिल शर्मा ऑन स्टेज एंड टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कपिल. आप सोचो कि मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि कॉमेडी सर्कस में कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा था कपिल शर्मा को और मैं पूछ रही थी कौन है. सो नाइस. क्या बात है. आपको मजा आता है सब सोच के. आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलाया जा रहा है. आप इतनी औरतों के साथ आज आप सोच समझ के लाए ना क्वेश्चन. बहुत सारी नारी नहीं लगता है नर्वस होता है पर अर्चना जी हैं साथ में तो मुझे ऐसा कुछ मतलब मेरी पहचान वाली औरत भी तो बैठी है. लेकिन तूने सारे होस्ट को बुला ले. सबसे पहले फीमेल होस्ट तो मैं थी. एग्जैक्टली. आई वाज जस्ट गोइंग टू से शी इज द ओजी गाइस. ओरिजिनल तो आपके सामने है. वाओ अर्चना जी कोई काम नहीं छोड़ा ना आपने. अच्छा परी मुझे अब भी याद है जब ये शो होस्ट करती थी ना इनको देख के सिद्धू साहब ने पहली बार जज बनने के लिए हाँ की थी. हाँ नहीं तो उनका कमेंट्री का काम ठीक ठाक चल रहा था उस समय. हमारे अमृतसर के एमपी भी थे. परीजात बुलाती थी फिर ही सिद्धू साहब आते थे. एक बार बुला के दिखाओ ना परी कैसे आते थे सिद्धू साहब. खबरदार वो बुलाने पर आ भी जाते मत बुलाना. देखो कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है इनको. जो हंसते हैं और सबको हंसाते हैं प्लीज वेलकम नवजोत सिंह सिद्धू. सिद्धू जी ने अपने कजन है नीचे भेजे हैं. देखिए मोंटी जी मोंटी जी हाथ खड़ा करिए. हेलो बाय बाय. अच्छा मिनी जी ना एक इंटरव्यू में बता रही थी कि ये घर पे ना ग्लोब घुमाते हैं. हाँ. और आंखें बंद कर लेते हैं और जहाँ पे कोई भी कंट्री पे जहाँ पे उंगली के नीचे आ जाती है उसी कंट्री में ये घूमने जाते हैं. अरे वाह. कितना अच्छी बात है. हम जैसे लोग ना पहले देखते हैं कौन सी कंट्री में हमारा कौन सा रिश्तेदार रहता है और फिर देखते हैं कि उन रिश्तेदारों में कितनों के साथ हमारी बनती है ताकि हमारे कुछ तो खर्चे कम हो. और ये बड़ा अच्छा तरीका मैम. अर्चना जी भी ऐसा करती हैं आपको पता है. अच्छा? ये भी ग्लोब घुमाती हैं और तब तक घुमाती हैं जब तक उंगली के नीचे देहरादून ना आ जाए. इनके मायके हैं ना वहां पे. और एक बार आप बिलीव नहीं करेंगी ये ग्लोब घुमा रही थी इन्होंने देखा है कि आंख खोल के देहरादून देहरा निकल गया. इन्होंने दून से पकड़ के देहरा खींचा. मेरे कितने टैलेंट है यार. तो मिनी जी आप कितनी कंट्रीज घूम चुकी हैं. हमने एक्चुअली जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था हमारी पूरी फैमिली ने बैठ के हम बहुत सब थोड़े कम्पेटिटिव हैं हमारी फैमिली में तो हमने बैठ के एक मैप पे वी रोट डाउन ऑल द कंट्रीज दैट हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव डन. आई हैव डन अबाउट 51. वाओ. कबीर इज एट 85. 85 वेरी बैड. वो 51 तो आपके साथ ही हुए होंगे उनके. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि अच्छा आप हमेशा उनको साथ लेके जाती हो वो बाकी कंट्री अकेले चले गए शूटिंग करने के. डॉक्यूमेंट्रीज बनाते बनाते ही सीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. बट या ही ट्रैवल्स. वी ऑल एंजॉय ट्रैवल. डोंट यू ट्रैवल. नो हम लोग अभी यूएस जा रहे हैं. हाँ जिनका वीजा लगा वो जा रहे हैं ना. मेरा भी वीजा लगा हुआ है लेकिन ये ले जा नहीं रहा है. वीजा उन्होंने एम्बेसी वाले ने पूछा आपको दो ऑप्शन देते हैं वीजा के पिज्जा. ये पिज्जे पे आप मान गई. रिचा अनिरुद्ध जो हैं ये पहले ऑल इंडिया रेडियो में आरजे थी वहां पे किसने आपसे ये बात कही कि ये खूबसूरत आवाज तो आपकी है ही ये खूबसूरत चेहरा भी टीवी पे आना चाहिए. आपका कैसे रेडियो से टीवी पे कैसे आना हुआ फिर आपका. नहीं नहीं ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है. इनफैक्ट तो रेडियो में सिलेक्ट हो गई बिल्कुल जिस हफ्ते ऑन एयर जाना था उस हफ्ते एक न्यूज चैनल से कॉल आ गया. 2002 की बात बता रही हूं. अच्छा. तो ऑन एयर जा ही नहीं पाई लेकिन कुछ चीजें जैसे रह जाती है ना ब्रह्मांड में नाचती रहती है. 2013 में 2014 में मैंने वापस फिर अब मैं रेडियो पर अभी तक हूँ पिछले 8-9 साल हो गए तो रेडियो पर आ रही हूँ. बट ऑनेस्टली मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा मीडियम लगता है टीवी से. टीवी अब जैसे अभी भी शो के लिए हम लोग कितना तैयार होना पड़ता है कपड़े कैसे मेकअप. और जब मैं डेली ब्रेकफास्ट शो दिल्ली में बहुत साल कर रही थी अब मैं वीकेंड शो करती हूँ टी शर्ट पजामा सुबह उठे बस जैसी हालत में जाके अपना बैठ गए और हर कोई बस अपनी गाड़ी में आपको सुन रहा है तो बहुत मुझे मीडियम एज अ मीडियम भी मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा लगता है. वाकई. और दिल्ली में तो सर्दी भी इतनी पड़ती है सर्दियों के दिनों में रजाई में से माइक निकाला. गुड इवनिंग. वैसे बात अच्छी है रेडियो. आपको पता है रेणुका मैम डायरेक्शन भी करती हैं. एक्टर तो कमाल की हैं ही होस्ट भी कमाल की हैं. ये डायरेक्शन आप शुरू से करना चाहती थी या शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अगर मैं राणा साहब को डायरेक्ट कर सकती हूँ वो भी रोज तो फिल्म में क्या चीज है. कब आया आपके मन में ये पूरा फात.
ख्याल तो बहुत पहले से आया था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि डायरेक्शन तो मैंने राणा साहब के साथ शादी के बाद ही की है ना। देख लो आप, भले हमने मजाक में कहा लेकिन बात सच है। प्रभु नकल मार मार के पास होने का ये नुकसान है। It's good evening, बहन जी, हम लोग गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। बहन जी होगी कोई और तुम्हारे लिए। मुझे पता है गुड इवनिंग है, लेकिन सुबह से ही दिखे नहीं है ना। हाँ। वो क्या है ना, आज इन्हें पता चला कि आज 5 बहुत ही खूबसूरत लेडीज आ रही है शो पे, तो आज ये बहुत बिजी है। सुबह 4 बजे से उठ के योगा कर रहे हैं, सैलून जाके बोले कि यार बियर्ड ऐसी बड़ा कि जॉ लाइन दिख जाए आज तो। मतलब उसे सेल्फ ग्रूमिंग कहते हैं मैडम। मैं आपको आपको क्या पता, जिससे सब्जी काटती हो उसी से नाखून काटने लग जाती हो, आपको क्या पता। मेरा तो बता रही है, उस दिन कार्तिक आर्यन आया ना तो ईंट गर्म करके अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। मेरे बड़ा दिखती है इसको प्रॉब्लम, इसको पता नहीं क्या है। मेरे पे बातें आप बनवा लो इससे। हाँ। तुमने जिस वजह से मैं आई हूँ ये देखा है तुमने, ये क्या है, क्या है ये? ऐसे नहीं मजा आएगा, इसमें से कूद के दिखाओ ऐसे करतब करके। ये हमारे गेस्ट कॉमेडी के शो पे आए हैं, सर्कस पे नहीं आए हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता कभी कभी ये ना ऐसे नाक पे डंडा रखे ना ऊपर फुटबॉल घुमा सकती है। ऐसी टैलेंटेड लड़की है, मैं इसलिए बोलता हूँ। वही डंडा हाथ पे रख के पति को घुमा सकती हूँ मैं। देखा? Yes, good one. सुनो, घर पे चूहे आ चुके, घर की सारी चीजें वो कुतर चुके हैं, मेरी शादी का जोड़ा नहीं छोड़ा है, प्लीज कुछ करो। अच्छा हुआ, मैं चाहता हूँ शादी के सारे सबूत खत्म हो जाएं, कुछ बचे ही ना, धीरे धीरे करके। सुनो प्लीज कुछ करो, देखो मैं इस घर में ना 1 मिनट और नहीं रहूंगी अगर चूहे रहेंगे तो। खबरदार इस बात से पलटी तो, मैं चूहे ऑर्डर कर रहा हूँ, तू बाद में मुकर जाती है ये। अच्छा यहाँ पे आके नाटक करती है, मुझे चूहों से डर लगता है। शादी से पहले छिपकली के पीछे धागा बांध के थी, मैंने रॉकेट बनाया, तब भी तुम्हें डर लगता था। रेणुका मैम आप देख लिए, मतलब एक आपके हस्बैंड है आशुतोष सर, क्या कविताएं लिखते हैं सर, और एक मेरा देख लीजिए डफर मिला मुझे। डफर। लेकिन उनको भी मैं मिली हूँ इन पे ना? इनके ऊपर कविता तो मैं भी लिख लूंगा, राणा साहब को तब मानू तुम्हारे ऊपर लिख के बताएं। ऐसे को ऐसे नहीं होता। हाँ, ये भूल है अर्चना मैम, लेकिन कॉलेज में ये मेरे लिए शायरी लिखता था, तब ये लिखता था। तुम इश्क हो मेरा, वाह वाह, तुम इश्क हो मेरा, तुम सुरूर हो मेरा, बहुत कूल, वाह, तुम मेरी जिंदगी गुरूर हो मेरा, वाह 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 वाह, ये गुरूर हो मेरा, और जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ तुम वो कसूर हो मेरा। एक महीना पार्लर ना जाओ तो तुम ही गफूर हो मेरा। आ जाती तंग करने में, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हमारे मेहमानों के साथ। देखो तो टाइम पास अगर हो गया, तुम प्लीज चूहों का कोई इलाज करा, वरना वो तुम्हारे पैंट को ना ऐसी सी जगह से कुतरेंगे ना कि तुमको सारा इंटरव्यू बैठ के करना पड़ेगा। चूहे बेचारे करे क्या, इनके घर वाले रुके हैं, सारा सामान तो वो खा जाते। कल मैंने चूहों के लिए ना पनीर का टुकड़ा फंसाया था पिंजरे में, सुबह उठा तो इसके डैडी का मुंह फंसा हुआ था पिंजरे में। और नहीं तो तुम्हारे घर वाले घूम फिर के मेरे घर में क्यों आ जाते शाम को? ये क्या बात हुई? जा ही नहीं रहे, विदाई वाले दिन आए थे, बोलते विदा करके चले जाएंगे, गए नहीं। तुम्हारे साथ रहना नहीं है, बात करने का नहीं है, रहना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं है। एक सेकंड, क्यों 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 लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे जब पति ऐसा हो तो उससे झगड़ा ही होता है बिंदु। देखो देखो कैसे बातें कर रही है, देखो आज से मैं और ये अलग अलग रूम में रहेंगे। कौन से अलग अलग रूम में, तुम दोनों तो ऑलरेडी बाथरूम में सोते हो। अरे तो अलग अलग बाथरूम में सोएंगे, इसका चेहरा देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। एक सेकंड, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे बिंदु ऐसी वैसी बात होती है ना, मैं छोड़ देती बेटा। पता है क्या, अरे मैं गोलगप्पे खा रही थी, मेरे हिस्से की पापड़ी खा गए। इतनी सी बात के लिए कौन लड़ाई करता है मम्मी? अच्छा तो तब लड़ू जब ये मेरा जूड़ा नौच खाए। ठीक है भाई, सॉरी, मैं माफ कर देना, मैं सॉरी बोल देता हूँ, बोल दो ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे माफ नहीं मान करने वाली। अरे सॉरी, मैं आज के जमाने की वाइफ हूँ, ऐसे वैसे ना मानूंगी। अच्छा पहले शॉपिंग करवाओ।
हाँ कराओ कराओ शॉपिंग, सासू माँ का मुंह नया लगवा दो। एक काम करो, 10,000 रुपए दे दो, शॉपिंग करवानी है। तो अब बीवी आपकी, आप पैसे तो मैं क्यों दूं? अरे तुम अपनी बीवी का दे तो मैं उससे ले लूंगा। तुम दोनों को मैंने गोद लिया हुआ है। कबीर सर ने जैसे मुन्नी को छोड़ा था ना उधर पाकिस्तान, इनको भी कहीं कहीं छोड़ आओ, कहीं भी छोड़ आओ। अरे ऐसी बात है तो प्लीज बोलना मालदीव छोड़ के आए। अगर वो वहां छोड़े तो मैं भी चले जाऊंगा। अरे मालदीव जाना है आपको, जैसा आपका मुंह आपको कोई मलाड़ ना छोड़े, मालदीव जाना है इनको। क्यों आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान? देखिए रेणुका जी, आजकल के बच्चे माँ बाप से कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। देखा नहीं बिंदु, तू भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी, घर में बोर होती थी, तेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों गई थी? अरे तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। अरे तेरे खेलने के लिए। तो मेरे खेलने के लिए एक भाई, बाकी के साथ का क्या? तो तू ही बोर होती थी क्या बिंदु? अरे हम भी तो बोर होते थे, हम भी खेलने थे। मम्मी ऐसी बातें ना बोलने से पहले शर्माते हैं, बाद में नहीं। वैसे बिंदु देखो शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती है। गाइस स्टॉप, चलो आज तुम्हें डिनर करवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डिनर पे नहीं जाऊंगा। अरे डिनर, अरे तो डिनर पे कौन ऐसे शर्माता है डिनर पे जाने के लिए? बिंदु ये डिनर का बोल के लिए जाते हैं। लगता है आज तुम हमें डिनर करवा के रहोगी। अच्छा आप आज जिस जगह पर हैं, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, शुरुआत तो ऐसी हुई नहीं होगी, इससे पहले और भी काम करने पड़ते हैं कभी कभी, है ना? जैसे अर्चना जी, मैंने देखा अर्चना जी को भी एक बार हॉरर शो आपने किया था, याद है? उसमें सिर्फ प्लेट में इनकी मुंडी आई थी। तो ये जब प्रोड्यूसर से पैसे मांगने गई, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुंडी मुंडी के पैसे देंगे, पूरी बॉडी तो हमने यूज ही नहीं की, इतना ही मुंह था। तो ये भड़क गई, कहती पैसे मैंने मुंह से मांगे हैं ना, हाथों से मांगे क्या? तो ऐसे बड़े काम मैंने भी टीवी पे आने से पहले बहुत काम किया। कोई ऐसा काम किया कभी आपने जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन उस समय वैसे करना पड़ा? मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 2 दिन के लिए। दो दिन के लिए ऐसी एक मुंडी, मुंडी तो नहीं काटी बट अजीब अजीब चीजें करने का प्लान था। मेडिकल स्टूडेंट थी? हाँ। डॉक्टर बनने का मन था आपका? हाँ, मैंने साइंस ही मतलब यही सोच के बड़े हुए थे कि यही करना है। अच्छा। फिर उसके बाद जब एक हफ्ते मेडिकल एक ही स्कूल दिन में जो बचपन का सपना था एक ही दिन में वाइंड अप, एक ही दिन में पूरा। मार काट नहीं देख पाई आप? हाँ। आपने रिचा जी कोई ऐसा काम किया? अजीब अजीब तो नहीं लेकिन बहुत सारे काम किए मैं। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट काउंसलर नहीं होते, बस पता होता है कि जो पेरेंट्स आए बच्चे को लेकर, बस फंसाना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कंप्यूटर कोर्स कर लेगा। उस जमाने में बहुत एक बाढ़ आई थी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, तो वो काम किया। फिर एक एनजीओ के लिए पैसे मांगने कंपनियों में जाना पड़ता था, वो किया। इस तरह के बहुत सारे काम किए। अखबार में काम किया, 1500 रुपए की नौकरी की। दीप्ति जी आपने कभी ऐसा? मैंने भी बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटे शहर मेरठ से आई हूँ और जब मैं छोटी थी तो मैंने एक अपना क्राफ्ट का काम शुरू किया था जो आज तक चल रहा है, वो मेरी सिस्टर्स संभालते हैं। मैं एक ज्वेलर के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं आपके लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लाओ 2000 पर्स। मैंने फिर टेलर्स रखे और आज तक मेरा वो काम चल रहा है। उसके बाद मैं मिस इंडिया बनी, फिर मैं उसके बाद सिंगापुर में मैंने मॉडलिंग की और फिर मैंने बस सारे काम किए। तो फिर वो ट्रैवल बग लग गया मुझे, तो अब मैं दुनिया घूमती हूँ। और इसके अलावा अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मेरे पास 1500 कुत्ते हैं जिन्हें मैं सुबह और रात को खाना खिलाती हूँ। और ये मैंने पेंडेमिक में शुरू किया। आपको पता है धार्मिक शो करके आपके चेहरे पे जो नूर आया ना, मुझे ऐसे लगता है कि सच्चे दिल से कोई मांगे आप मुराद भी पूरी कर देंगे उसकी। नहीं मतलब सीरियसली एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी वहां बैठी हैं। अच्छा, और ये सब मैंने उन्हीं से ही सीखा है क्योंकि मेरी मम्मी एक अनाथ आश्रम पिछले 30 साल से अपने आप चलाती है मथुरा में। और मेरी मम्मी 87 ईयर्स की है और ये आज तक अपने पैसे खुद बनाती है और कभी भी मेरे से पैसा नहीं लेती। So proud of you, ma'am. बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। आप आशुतोष राणा जी की बात कर रहे थे ना कि रेणुका जी के लिए कविता लिखना, तो मैंने पिछले साल आशुतोष जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बहुत खूबसूरत दो पंक्तियां इनके लिए बोली थी जो मैं बताना चाहती हूँ।
शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ तुम आंखों से बोलो। हाय हाय, क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुल। मिनी मैम के जो हस्बैंड है ना कबीर खान साहब, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था, कौन सी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने आपको? नहीं, उनकी स्टोरी जो है ना वो सारी फोकस करते हैं अपनी फिल्मों पे, ठीक है, तो मेरे लिए कोई स्टोरी नहीं बचती, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के नहीं, एक्चुअली ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसको देख के मुझे स्टोरी आने लगी थी बड़ी। सो वी मेट एट अ शो, आई वॉज कॉल्ड टू होस्ट इट इन दिल्ली, जो बहुत पहले एक शो टीवी चैनल होता था, एंड ही वॉज अ सिनेमाटोग्राफर देन, तो तब वो उनको बुलाया गया था कि शूट करके, हम दोनों के पास डेट्स नहीं थे, लेकिन मैं उस प्रोडक्शन हाउस में उनसे मिलने गई थी कि नो आई डोंट हैव टाइम, एंड देन आई सॉ हिम एंड ही वॉज देयर, एंड ही वॉज देयर टू से कि मैं ये शो नहीं कर सकता और मैं भी ये नहीं कर सकती। फिर हमने एक दूसरे को मिले, 5-10 मिनट बातें की, डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से, हमने डेट्स एडजस्ट कर लिए। व्हेन देयर इज अ प्रोड्यूसर मिला नहीं, बोले शो तो तुम लोगों ने किया नहीं, शादी कर ली तुम लोगों ने। देखो ऐसे ही भगवान ने लिखा होता है सबका। रिचा जो है ना, इनको आप अक्सर देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति में भी एज एन एक्सपर्ट आती हैं, कभी कभी कोई कंटेस्टेंट फंस जाता है ना तो ये आके जवाब देती हैं। कंटेस्टेंट इनसे पूछता भी है कि आप श्योर हैं, तो ये बोलती है कि 99% श्योर हूँ। तो 1% तो आप पे भी दबाव रहता होगा कि अगर मेरे गलत जवाब से उसका पैसे हार गया वो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका जवाब गलत हो गया और 10 लाख से सीधे 5,000 रुपए आ गया हो? ये हुआ नहीं, क्योंकि मैं एक दो बार ये कह चुकी हूँ कि नहीं आता, मतलब जब नहीं आता अच्छा। तो हाँ टीम कहती है कि किसी को पैसे हरवाने से अच्छा है कह दो नहीं आता। डर लगता है, लेकिन 99% ना वो कंपनीज की तरह नहीं होता, एक डिस्क्लेमर रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर गिल्ट रहे। हमने तो कहा था, 1% का डाउट तो छोड़ा था, बट कई बार मैं ये भी कहती हूँ 100% श्योर, मतलब जब बिल्कुल यकीन होता है। आपको कभी नहीं बुलाया ना केबीसी में बच्चन साहब ने? बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। ऑनेस्टली जब हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे तो हमको जाना था, बट आई सेड नो बिकॉज मुझे लगा कि मेरी जनरल नॉलेज बहुत, मतलब पर नहीं मैम, आप ऐसे ही बोल रही हैं, पर अगर आप जाती तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 हज़ार से कम में आप आती। आपको जाना चाहिए, मुझे यही डाउट था, मैंने कहा ऐसा ना हो नाक कट जाए यार। ये तो कितना अच्छा खेल के आए सोनू, ताज्जुब है मुझे, ये अच्छा खेल के आए। हम बैठे थे मदद करने, क्या किया उन 50 लाख का? वो चैरिटी में देते हैं, चैरिटी। मैं तो केबीसी में जाती हूँ सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखने, मेरा तो एक ध्येय रहता है कि बस बच्चन। और ये सच्ची में कह रही है, ये बच्चन साहब की इतनी बड़ी फैन है ना, अभी मैंने इनके बारे में सुना था कि बच्चन साहब की कोई भी फिल्म आ रही हो ना, कितनी भी बार आ जाए ये देख लेती है। और सूर्यवंशम मुझे लगता है आप ही ने सबसे बात देखी होगी, क्योंकि सबसे टीवी पे वही आती है। आपको पता है सूर्यवंशम में जो गांव वाले नहीं है हीरा ठाकुर के, वो एक दिन सेट मैक्स के ऑफिस गए थे, कहते हम रोज आके थक गए, हमें बंद करो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सपना फ्रॉम नाला सोपारा। हाय सपना, ये क्या कर रही हो? अरे इतने बड़े बड़े होस्ट लोग बैठे हैं, मेरे को लगा था ये लोग मेरे को रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ वो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आज होस्ट करने नहीं आए, वो हमारे गेस्ट हैं आज के। अच्छा आप लोग गेस्ट हैं, मेरे को मालूम इसलिए था। हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और एक बार जोर से तालियां हो जाए। बस कर, कितनी तालियां की बजवाई? अरे इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए तालियां बजवाई, आज तो मैं बजवा के रहूंगी, जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप लोगों को स्टाइल में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। जिनको मिलने के लिए, जिनको मिलने के लिए आशुतोष राणा जी करते थे 100-100 बहाने, प्लीज वेलकम मिनी माथुर। ये क्या राइमिंग, ये राइमिंग तो मेरी बनी है। ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गया। ओह सॉरी मैम, वो एक्चुअली क्या, मैं ट्रेन से आती हूँ ना। हाँ तो ट्रेन में ना ऐसा रहता है, तो वो जो दिमाग की बातें रहती, इधर की बात इधर चली जाती, इधर की बात इधर चली जाती है। हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी जो बहन है ना, उसको मेरे को बोलने का था कि मैं अपने छावा से मिलने जा रही हूँ, पप्पा को मत बताना। अच्छा तो मैं ट्रेन से गई बताने के लिए, सब इधर उधर हो गया। मैंने जाके पप्पा को बता दिया कि मैं छावे से मिलने जा रही हूँ, मेरी बहन को मत बताना, बहुत मारा रे बाबा उन लोगों ने मेरे को। सपना तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी। आते ही क्या, मैं जाते ही भी फालतू बात करूंगी।
फालतू बात में मजा आता है ना, और क्या चाहिए। चलो शुरुआत करती हूँ मैम आपसे मैं। हाँ हाँ जरूर। बहुत आप रेणु का शाहने जी ना। हाँ पर आप इतनी पतली कैसे हो गई? गैप हो गया था ना 6 महीने का बीच। जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते, क्यों गई थी उधर? रेणु का शाहने जी ना, हमारे नाला सुपारे में सब शाहने लोग हैं। सच्ची बोलती हूँ। अच्छा मैम एक एक बात बोलूंगी, मतलब गलत मत समझना है। नहीं नहीं मेरे को ना आशुतोष राणा जी मार्केट में मिले थे। हाँ तो उनको मिलते ही मैंने हाथ जोड़ दिए। तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं नहीं उनको ऐसे गले लगा के हाथ जोड़ दिए ऐसे करके। हाँ मैं उनकी फैन हूँ ना इसलिए मैं गई थी। हाँ तो लेकिन उन्होंने क्या किया? अरे वो बहुत प्यार करते हैं आपको। उन्होंने मेरे को कुछ हिंदी में बोला तो मैं समझी नहीं, क्योंकि उनका क्या बहुत ऐसा टफ हिंदी रहता है ना। तो उनको मैंने बोला सर आप मेरे को लिख के दो। वाह क्या क्रिएटिविटी है। अभी आशुतोष जी की लैंग्वेज ना याद करना बहुत टफ रहता है। उन्होंने लिखा भोजन भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 8 बजे के बाद कॉल करना नारी। ऐसा मेरे को बोले थे वो। सपना तुझे शर्म नहीं आती इतने प्यारे और मासूम हमारे राणा साहब उनके बारे में ऐसी बातें कर रही? नहीं शर्म नहीं आती, पेमेंट आती है। नहीं नहीं मैं आपके मैम बहुत फैन हूँ, मैं आपका सब पिक्चर विक्चर भी देखे ली हूँ। अभी भी आपकी पिक्चर आई थी ना श्री 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 गोविंदा मेरा नाम। गोविंदा मेरा नाम मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकती ना, मामा है मेरा यार, ऐसे तुझे गोविंदा बोले अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कहते हैं ना पजामा गिर जाए तो झुक के उठाने का और मामा रूठ जाए तो फट से पटाने का, ऐसा रहता। ऐसा रहता। हाय परी। हाय हाउ आर यू? आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। अभी बारिश हो जाती ना बहुत अच्छी लग रही है, एकदम से लड़का निकलता है अंदर से। फिर आप उसमें होस्टिंग करते थे ना वो इसका वो हंसने वाला शो में। चैलेंज तो बिल्कुल नहीं था उसके साथ काम करते हुए। हाँ हाँ लेकिन वो आप होस्टिंग करके इसको बुलाते थे या आके कॉमेडी करता था? आज तूने इनको बुलाया है, आज भी तू ही कॉमेडी कर रहा है। इस बात से कुछ सीखा तूने? क्या कोई तेरे को बुलाए या तू किसी को बुलाए कॉमेडी तेरे को ही करनी है। हमको भी पता। हाय दीप्ति जी। आपका भी मैं शो देखती थी टीवी पे। थैंक यू। आप उसमें से घूमते थे ना, 10 साल में कितना देश घूमे रहेंगे आप? अराउंड 1991। अर्चना जी कुछ सीखो इनसे। क्या ये होता है प्रोडक्शन के पैसे पे ऐश करना? ये तो सिंह चना में खुश हो जाती हैं। माथुर जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेके जाना आप, मैं दे दूंगी आपको। आपको पता मेरा भी एक सपना था कि मैं होस्ट बनूं। फिर हाँ फिर एक होस्ट आया मार्केट में। उसने मेरा सपना तोड़ के मेरे को ही सपना बना डाला। सपना तो करने के आई इधर। मैं एक्चुअली बताने आई थी आप लोग को ऋचा जी, मैं एक स्टार्टअप चालू किया है मैंने। अच्छा हाँ टाइम वेस्ट करने का। टाइम वेस्ट स्टार्टअप एक्चुअली क्या, हमारे नाला सुपर में बहुत टाइम है लोगों के पास। हाँ. तो वेस्ट कैसे करें उसका मैंने चालू किया है। एक्चुअली क्या उधर एक आदमी खड़ा था ऐसे नदी पे, मैंने उसको ऐसा धक्का दे दिया। तो इसमें कहाँ टाइम वेस्ट हुआ? जो लोग ढूंढने हैं उनका तो टाइम वेस्ट हुआ। ऐसे रहते हैं। हाँ मेरे को ना आप लोग एक दिन के लिए नाला सुपर में लगेंगे। लगेंगे क्यों? वो एक्चुअली मेरे चाचा जी है ना। हाँ. वो जेल से छूट कर आ रहे हैं तो उनकी खुशी में एक फंक्शन रखे लाए, तो होस्टिंग करने का था। तो शर्म नहीं आती कि मुजरिम छूट गया है उनके लिए इतने बड़े बड़े मेहमानों को बुला। मेरे चाचा को मुजरिम मत बोलना तू। मुजरिम मुजरिम क्या होता है? पुलिस वालों ने उनको फंसाया था। कैसे? अरे पुलिस वालों ने उनको बोला कि कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो 100 डायल करना। अब मेरा चाचा चोर है तो वो चोरी करने के लिए गया, वो तिजोरी का ताला तोड़ रहा था, वो टूटा नहीं। हेल्प के लिए उसने 100 डायल किया तो पुलिस वालों ने आके उसी को तोड़ डाला। रे बाबा। लेकिन जो भी है मेरे चाचा का ना टांग टूटे लाए। हाँ फिर भी वो भाग लेते हैं।
टांग टूट गई फिर भी कैसे भाग लेते हैं? चेस में भाग लेते हैं, फिर सांप सीढ़ी में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, तीन पत्ती रहता है ना उसमें तो पक्का भाग लेते हैं, क्योंकि उसमें पुलिस फिर आ जाती है तो वो हाथों के बल भाग लेते हैं, वो तो कानों के बल भी भाग लेते हैं। चल झूठी, कानों के बल कैसे भाग सकता कोई? नहीं भाग सकता तो नहीं भागते होंगे फिर। नहीं मैं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी, स्टार्टअप बताया था ना मैंने, मैं तो बहुत अच्छा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ अर्चना जी, आप लोग का टाइम वेस्ट हुआ ना, जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज मेरा नंबर ले लो। नंबर क्या है तुम्हारा? तेरे पास कितना टाइम है रे वेस्ट करने के लिए, पूछ रहा है नंबर ले लो। खैर लेकिन भले ही मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया हो, आप लोगों ने आके चार चांद लगा दिए शो के लिए, जोरदार ताली। बाय, सी यू। अच्छा हम आपके हैं कौन? क्या कल्ट फिल्म, क्या मजेदार फिल्म, रेणुका जी ने भाभी का रोल प्ले किया था उसमें, देखो ये तालियां इस बात का गवाह है। मेरी भी भाभी जब घर में नहीं आई ना तो मुझको लगा ये रेणुका शाना जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही, हमने तो वही सोच के भाई की शादी की थी। अच्छा लोगों ने इतना पसंद किया उस किरदार को निभाने के बाद, आपके पास भाभी के ज्यादा ऑफर आने लगे किरदार के, शादी के ज्यादा आने लगे थे भाभी भाभी के? जब अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाह रहे थे। मैम जो आप सीढ़ियों से गिरती हैं, आपको डर नहीं लगा था कि अगर एक बार में ओके नहीं हुआ तो वाट लग जाएगी बार बार सीढ़ियों? तब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा गिरना भी पड़ता है। आए आए। और सूरज जी दो दो मिनट आके पूछ रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, और कैसे होता, मुझे तो बल्कि अभिनय करना था कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पंज की ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी जिसपे मुझे ऐसा अभिनय करना था कि मुझे बहुत लग रहा था एक्चुअली। आहा हा ऐसे। मिनिमम आप और ऋचा जी, आप अगर दोनों को भगवान की सेक्रेटरी का कॉल आए कि वो रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, बे मजा आ गया तो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगी? मैं उनसे तीन सवाल पूछूंगी। ओके उनसे एक तो ही पूछूंगी, ये जो बनाया जाता है कि जो स्वर्ग जाता है वो सब सफेद सफेद और सब ऐसे होता है, और जो नर्क जाता है वहाँ आग जल रही होती है और पार्टी चल रही होती है और सब पार्टी चल रही होती है, बेकार लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं और यहाँ पर, तो मेरे को एक तो समझना है कि ये इनका डिफरेंशिएशन क्या और क्या करके आप यहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे बेसिकली मुझे। दूसरी चीज उनसे पूछूंगी, आप भगवान जी कितने, आपके कितने रूप हैं? नीचे झगड़ा बड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कितने धर्म बना दिए, कितनी जाति बना दिए, तो हैं कितने आप, एक ही है? That's an important question to ask him. And कब आओगे? प्रकट कब होगे यहाँ पर आके सब सुलझाने के लिए? That's probably what I would ask him. Very nice question. और मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, भगवान भी हमारा शो देखते हैं, उन्होंने जरूर आपके क्वेश्चन सुन लिए। ऋचा आपके बारे में एक हमने बात सुनी कि आप और पंडित रविशंकर जी किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे और आपको शायद लगा कि पंडित जी शायद बोर तो नहीं हो रहे, आपने कहा कि उठ के चलते हैं और उन्होंने आपको बिठाया, क्या मेरे को पूरा किस्सा नहीं पता प्लीज बताइए। अरे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो सितार वादक पंडित रविशंकर जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको कुछ हाँ कहीं अवार्ड मिला था कुछ, तो उनके तो वैसे वो बाउंसर, हम ही उनके बाउंसर हुआ करते थे जब तक वो थे, मैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के स्टेज पे मंच पे बहुत बिठाया उनको, तो वो जो आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे जब लगा कि इतना बेसुरा गा रहा है तो मुझे लगा गुरुजी पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा, मतलब जिस व्यक्ति को संगीत का भगवान कहते हैं और वो बैठ के सुन रहा है, तो अब वो मेरी एरोगेंस कह लीजिए, तो मैंने जाके कहा गुरुजी आपको तो अवार्ड मिल गया, चलना है तो चलें। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में रह गई साथ, उन्होंने कहा बेटा कलाकार मंच पर है, उठकर नहीं जाते, वो जब गाना खत्म करेगा तब जाएगा। तो वो एक सीख चीज सीखी मैंने कि आप कितने, आपका बड़प्पन इसमें होता है कि आप अपने से छोटों को कितनी इज्जत दे पाते हैं, क्या उनको कैसे, तो उन्होंने वो कलाकार का सम्मान रखा और कला का सम्मान रखा, बोले वो मंच पे गा रहे हैं। मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया, बड़े लोगों की यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद, ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे बोलता करिए आप अभी, मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे, कुछ इनॉग्रेशन था उनका, तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर बाउंसर आ रहे तीन चार, इवेंट ऑर्गेनाइजर मेरे को कहता कि निकलो तुम बच्चन साहब आ गए, और मैं वो करने लगा और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया, वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी, तो उसके अंदर खड़े और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस।
So that's why. That's amazing. Bachchan saab. Love you, Bachchan saab. He's the best. He's the best. अच्छा एक शो आता था अंताक्षरी आप सबको याद है रेणुका मैम और अनु कपूर साहब साथ में होस्ट करते थे और मजे की बात है उसमें मैडम भी बोलती थी क्योंकि अदरवाइज अनु जी किसी को बोलने देते नहीं है उसमें इतने प्यारे प्यारे गाने होते थे मैम आजकल आपको पता है अंताक्षरी नहीं खेल सकते क्यों आजकल राइट्स का चक्कर है आपने दो गाने बोल दिए कंपनी बिल भेज देती है आपको तो इसलिए हम अंताक्षरी तो नहीं खेलेंगे पर आपसे कहेंगे कि प्लीज अगर अपनी खूबसूरत आवाज में अगर आप दो लाइनें किसी भी गाने की सुना दें जिसके हमारे पास राइट्स भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा जी मैम कि हम सब गाएं एक साथ आप शुरू करें हम पीछे पीछे सब उतने सुरीले नहीं ऑडियंस भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल वॉइस मैम अब हम आपको आपकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आप ही के फैंस के कुछ फनी कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज हैव अ लुक दिखाइए जरा पहली फोटो इतनी खूबसूरत है रेणुका जी और हमारे राणा साहब खड़े हैं वेरी नाइस पिक्चर आइए कमेंट्स देखते हैं रेणुका मैम आशुतोष सर सच में मुस्कुरा रहे हैं या आपने पीछे चाकू लगा रखा है आप दोनों की फोटो देखकर मुझे अभी अभी याद आया कि मम्मी ने मुझे बैंगन और टमाटर लाने को बोला था उन्हें भट्टा बनाना है कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो कि चार लोग कहें जल्दी से बदल लो और दिखाइए This is so funny. मिनी जी ने फोटो डाला है ये द प्रोटेक्टर ऑफ द टॉम्स हाफ मैन हाफ लायन सम बहुत ज्यादा इंग्लिश है फिर कभी पढ़ेंगे ओके नीचे कमेंट्स देखते हैं ये कहाँ की फोटो है मैम इजिप्ट का इजिप्ट हाँ, इजिप्ट है कभी गए नहीं हम सुना बहुत है इसके बारे में मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने टूरिस्टों को नया पोज सिखाया है वरना अभी तक तो सब चोटी से ही पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे हाँ वेरी नाइस ये इनको CPR देखकर वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है That's a very good one. That is true. और दिखाइए ओह गॉड मिनी जी हर मम्मी के अंदर मम्मी नहीं होती कभी कभी पापा भी होते हैं सिर्फ एक मम्मी ही किसी और मम्मी के इतना करीब आ सकती है मेरे पापा किसी और की मम्मी के करीब आए थे मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत मारा था और दिखाइए परिजात ने फोटो डाला है द ओशन ब्रीज सूदिंग साउंड्स ऑफ वेव्स एंड सनशाइन कीप मी एट पीस लड़कों को कभी ऐसे नहीं आते कैप्शन हम ज्यादा लिखते ठंडी रेत है ना मतलब क्या बोले आदमी बहुत प्यारी पिक्चर है परी आपकी दिखाइए नीचे कमेंट्स आप टैन होके भी अच्छी दिख रही हैं मैं टैन हो जाता हूं तो सिर्फ दांत दिखते हैं लोग पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं आप कोहनी के निशान छोड़ के जाएंगे अच्छा हुआ आपने हाथ से मुंह पकड़ा हुआ है मेरा गिर गया था ऐसी ही लड़कियों के कारण जुहू बीच वालों ने 70 रुपए की पाव भाजी 140 की कर दी और दिखाइए कौन लो जी ऋचा जी ने वाओ ऋचा जी मैं सीरियसली सल्यूट करता हूँ आपने कितनी स्ट्रगल किया ना कहाँ से आप कहाँ हो अच्छा आपका नहीं है ओके सॉरी सॉरी अटेंडेड द लॉन्च ऑफ ए वंडरफुल कैंप फिर इतनी सारी इंग्लिश फिर ओहो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं ऑटो वाले को लगा ये इंटरव्यू लेने आई हैं वो तैयार होने चला गया आगे दिखाइए और रिचा दीदी ये शॉल आपने खरीदा है या आप कहीं चीफ गेस्ट बनी थी और दिखाइए लो जी दीप्ति जी ने फोटो डाला है हमारे प्यारे अब्बास मस्तान साहब के साथ और हुसैन भाई ये कहाँ कब की फोटो है ये मेरी फ्रेंड पूजा बत्रा की बर्थडे की फोटो okay. है क्योंकि हमें गेस्ट से ही पूछना पड़ता है क्योंकि अब्बास भाई वगैरह के कपड़े तो सेम ही रहते हैं तो हमें आइडिया लग पाता है कौन से फंक्शन की फोटो है जी कमेंट्स दिखाइए अब्बास मस्तान को तो दुनिया पहले से जानती है तीसरे भाई आज आपके चक्कर में बाहर आए हैं अब्बास मस्तान हमेशा सफेद कपड़ों में रहते हैं लेकिन फोटो कलरफुल लड़कियों के साथ खिंचाते हैं वैसे तो तीसरा अंपायर दिखाई नहीं देता आज तीनों दिख रहे हैं मैडम मेरी लॉन्ड्री की दुकान है इनसे पूछ के प्लीज बताओ ना इतनी सफेदी कौन सा पाउडर देता है और दिखाइए रेणुका जी ने ओ वाह मैम आप चला लेते हो ट्रैक्टर मैडम मैंने कोशिश की थी एक बार
ऐसे चला लेती हूँ, मतलब रेगुलरली खेतों में तो चला ही सकते हैं, खेतों में कौन सा ट्रैफिक है? हाँ, नहीं वो तो ट्रैफिक नहीं, ये लोग रहते थे वहाँ पर, वो भी अपने ही होते हैं। हाँ, पर उनको मारना तो सही नहीं। आइए नीचे देखते हैं जी, ये दोनों आदमी पहले सामने खड़े थे, इनके बैठते ही साइड में आ गए। किसी ने लिखा है ये ट्रैक्टर डीजल पे है या पेट्रोल पे, उसको किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई लोन पे। प्रणाम भाभी माँ, जिसने आशुतोष भैया को इतने साल चला लिया, ट्रैक्टर चलाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या पड़े आए लोग हैं। और दिखाइए, लो जी मिनी जी ने फोटो डाला है। ए आप हर फोटो पे इतनी इंग्लिश लिखती है मिनी जी। मेरे कैप्शन थोड़े लंबे होते हैं। आदमी कमेंट कहाँ करे, देखो आप जहाँ पे कमेंट कर रहे वहाँ पे आपने कैप्शन भर दिया है। डू नॉट जज मी फॉर बींग संस्कारी, बट वंस एवरी विंटर आई ट्रांसफॉर्म इन टू माई ग्रैंड मॉम एंड मेक फ्रेश अचार फ्रॉम हर हैंड रिटन रेसिपी। अभी भी कितनी बाकी है। सॉरी, मेरे अंदर बहुत कहानियां हैं। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये मैंने डिलीट क्यों नहीं किए मेरे को? मैडम इतना सब लिखने की जगह अगर आपने अचार के साथ पापड़ फ्री लिखा होता तो ज्यादा बिक्री होती। और दिखाइए, आप अचार अच्छा बना लेती हैं, मैं पूरी अच्छी बना लेता हूँ, हम दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मैंने दादर स्टेशन पे स्टॉल भी देख रखा है। ये खुली जुल्फे ये लाली उफ क्या मार डालोगी, ये सारा सामान क्यों रखा है, इनका क्या अचार डालोगी? उन्होंने अचार डालने के लिए ही रखा है भैया। लड़कियां मन में ठान ले तो मिर्च भी पिंक कलर की ढूंढ लेती हैं। हाँ मिनी मैम, ये हमने देखी नहीं कभी इस कलर की मिर्च। मैं खास ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, और ये पिंक नहीं है, रेड है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया कलर। हाँ। पीछे फूल भी बैकग्राउंड में पिंक लगाए हैं आपने। हाँ। और आगे देखते हैं। और भी है, हे भगवान। फरीजात का फोटो आ गया है। When words fall short, chocolate can speak volume. मैं क्या एक दो लाइन में ठीक रहता हूं, किसी चौथियों पर लगा दूं। आप चॉकलेट बना लेती हो? हां, लॉकडाउन में हम तो सुपरमार्केट खोल सकते हैं बॉस। अचार, चॉकलेट, क्या-क्या बन रहा है यहां पर। क्राफ्ट ट्रैक्टर चला के मार्केटिंग कर लूंगी, पापड़ बनाना जानती हूं मैं, खाऊंगी आप खेतों में, मैं खाती हूं। क्या बात है। हां, एक सबसे मेहनत वाला सुपरमार्केट खुल गया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। परी जी, आपसे चॉकलेट खरीद के वैलेंटाइन डे पे आपको ही भिजवा सकते हैं क्या? किसी ने उसको रिप्लाई किया है, तेरी माँ ने थेपले मंगाए हैं, पहले वो लेके जा, घर पे इंतजार कर रही है। मैंने भी ऐसे चॉकलेट बनाने वाली लड़की से शादी कर ली, वो सिर्फ वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट बनाती है, बाकी साल भर मैं रोटी बनाता हूँ। तो हमने कहा था भुगतो अब। अरे आप चॉकलेट की बात कर रही हैं, आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगा। किसी ने फिर रिप्लाई किया, मैंने तेरी फोटो देखी है, तू अपना हाथ भी चाट लेगा तो भी मर जाएगा। देखो लोग आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। और दिखाइए, ऋचा जी ने ये फोटो डाला है, सरसों के खेत, ताजी हवा, सर्दी की धूप और हमारा बुंदेलखंड। वेरी नाइस पिक्चर ऋचा जी। आइए कमेंट्स देखते हैं। मैं भी आपका राज बन के आता मगर गूगल खेत का रास्ता नहीं दिखा रहा। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खेतों में सिमरन और ऋचा दिखती हैं, हम जाते हैं तो सुरेश और घनश्याम ही दिखते हैं। ये बेस्ट है। सरसों के खेत में फोटो खिंचवाने गई थी, चार आदमी उठ के भागे इसलिए हंस रही है। हाँ, सरसों के खेत में परसों से बैठे होंगे वो। लोटा लेके। और दिखाइए। लो जी, भटनागर साहब आ गए हैं फिर लंबे कैप्शन के साथ। If you love food, then this is the place to be. Oh, बहुत अच्छी पिक्चर। आइए आइए कमेंट्स देखते हैं। आप बोल रही हैं तो लंदन मान लेते हैं, वरना बैकग्राउंड से तो कुरला लग रहा है। टार्पोलिन देखो। ये सूंघ कर चेक कर रही हैं कि मार्केट की तरह संतरे भी तो पुराने नहीं हैं।
आप अंडा सूंघ के बता सकती हैं उसमें मुर्गी निकलेगी या मुर्गा? ये क्या बात हुई? और दिखाइए मैम, प्लीज जो संतरा आपने पीछे छुपाया उसको वापस रख दो। और दिखाइए। टू गुड टू गुड। खत्म, धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों आज देखिए, हमने हमारा एक शो का एक ऐसे ही बनाया, हमने कुछ और नहीं सोचा तो हमने कहा ये कर लेते हैं, तो ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आज हमारे पास हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी होस्ट, सिर्फ होस्ट ही नहीं मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्ट्रेस हैं, यू नो कितने सारे काम किए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आप होस्ट रहे हो और किसी गेस्ट ने बड़ा परेशान किया हो? जी भाई साहब, क्या हाल है सर? हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो अर्चना जी। हेलो खूबसूरत एंकर। मैं विमल कुमार वाधवा, मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। अच्छा जी, तो क्या किराया चाहिए आपको क्या? नहीं जी, बहुत बहुत स्वागत है वाधवा साहब आपका। सर जी, मेहमानों के चक्कर में तो हमारे घर में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं जी। अच्छा जी। हमारी वाइफ को खाना बनाने का बड़ा चाव है। अच्छा जी। तो वो जैसे ही घंटी बजती है और वो किचन में चली जाती है और प्याज टमाटर काटने शुरू, तो दरवाजा भी नहीं खोलती, सीधा किचन में चली जाती है। मतलब पहले मेहमानों को अंदर बुलाते होंगे ना? हाँ। अच्छा जी, वो काम हमारा है ना जी। अच्छा जी, तो हमारे बच्चे खुसर पुसर करते हैं कि मम्मी का ग्राहक आ गया, अब उसने तो खाना बनाना ही बनाना है। अच्छा जी। अब इस चक्कर में इनके एक फ्रेंड ने आना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और वो जब उनके घर में उनके हस्बैंड से उनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक नहीं थी, अच्छा, गड़बड़ थी, और वो अपना दूसरे तीसरे दिन आए और अपना उसके बाद वो खाना भी खाएं और काफी दिन, एक बार वो दो तीन दिन भी रुकी। अच्छा जी। तो अब इस चक्कर में हमारे घर में जो है थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगी। क्या गड़बड़ रहने लगी? आपकी धर्मपत्नी जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इस बात पे, मतलब मुझे घर में खाना बनाने का शौक है और मेरे को ये एक संस्कार मिले हुए हैं कि घर पे जो भी आए वो बिना खाए ना जाए। बहुत अच्छी बात। उस चक्कर में हम भी आ जाते हैं, पर इस संस्कार में मैं एक जगह दगा खा गई। क्या हुआ मैम? वो ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर आती। अच्छा जी। तो मैं भी सोचती थी बिचारी है, कोई बात नहीं, और खाने में आलसी है, वहाँ घर बनाएगी नहीं, चलो मैं ही खिला देती हूँ, बना रही हूँ, आज मेरा ये खाने को मन, आज मेरा ये खाने को मन, ठीक है जी बना देते हैं। बनाया, फिर बैठती डाइनिंग पे आके इनके साथ गप्पे मार रही है, सब कुछ कर रही है। बड़ा हैरान, भाई ये क्या चक्कर है, बड़े दिन बाद समझ आया, ये तो कुछ घोटाला ही कुछ और है। अगले दिन से भाव देना ही बंद कर दिया, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, चाय भी नहीं पिलाई मैंने। तो वाधवा साहब फिर आप बाहर लेके जाते हैं उनको? मतलब घर में तो मना कर दिया ना मैडम ने। कपिल जी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा जी। इतनी हिम्मत नहीं है। आपको क्या पता ऑफिस जाते हैं तो, मतलब बीवी हूँ इतना जानती हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो तो है। उस दिन के बाद उसको समझ आ गया, वाधवा साहब भाव नहीं मिलता मुझे। उस दिन के बाद से आप खुश हैं के? तो सर आपको पता ही है। मेरे को क्या पता है, मेरे पे तो ऐसे डालते हैं। धन्यवाद वाधवा साहब, शुक्रिया ईमानदारी से अपना किस्सा बताने। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी सर। मेरा आज बर्थडे है और मेरी दो बेटियां आई हुई हैं यहाँ। अरे वाह। उन्होंने मुझे आज जो है ये गिफ्ट के लिए बोला था, अभी कपिल शर्मा जी से हम आपको जो है हैप्पी बर्थडे बुलवाएंगे। हैप्पी बर्थडे सर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। और कोई मेरे दोस्त जिनको टीवी पे आने का कीड़ा हो कोई? जी हेलो कपिल सर। नमस्ते। नमस्ते अर्चना मैम, एवरीवन। हेलो हेलो सर, आप आज बहुत प्यारे लग रहे। इसको पता ही एडिट नहीं होगा, ये रखा जाएगा। ये लाइन नहीं कटेगी, ये रखा जाएगा। सर आज मैं मेरी मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी स्पेशली बिहार से आई हैं आपका शो। अरे वाह, मेरी मम्मी भी आई हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुंबई में रहती हैं? यस सर जी। सर तो इस किस्से पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे दूर के मौसा जी अक्सर आ जाया करते हैं काम के किस्से में, आ जाया करते हैं हमारे घर पे। अच्छा जी। तो जब वो आ रहे होते तो मम्मी पूरी बेडशीट्स बदल रही होती हैं, खाने पकवान बनते हैं। फिर एक बार हमें जाना पड़ा उनके घर, तो जब हम गए तो उन्होंने हमें ऐसे बेड पे सुला दिया जहाँ पे मच्छर काट रहे थे, फिर एसी नहीं चल रहा था, पंखा नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ तो बड़ी खातिरदारी होती है उनकी, हम गए तो कुछ खातिरदारी नहीं हो रही थी। तो फिर हमने बोला मौसा जी प्लीज कम से कम एसी तो लगा दो, तो मौसा जी ने हमें सीख दे दिया कि नहीं, हर सिचुएशन में खुद को ढालना चाहिए। और ऐसा सीख करके इसकी वजह से हम
मौसी के साथ भी समय नहीं बिता पाते। अगली बार मौसा जी है ना तो उनके गद्दे पे पानी डाल देना, उनको बोलना मौसा जी हालात के हिसाब से एडजस्ट करो आप। वही वही वही। उसके बाद जब वो आते हैं आप उतनी खातिरदारी करते हो अभी भी? नहीं सर, अब तो मैं यहाँ रहती हूँ तो अब तो खातिरदारी करने के लिए मम्मी को मना कर दिया है। अब भी आए ना मम्मी जी, उनके कमरे में सांप छोड़ देना। हाँ जब आप गए, आपकी कमाल है, आपने नाम नहीं बताया अपना क्या? तो मेरा नाम स्तुति सिन्हा। स्तुति आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप सीखती हैं? थैंक यू सो मच सर। यस सर, मैंने ट्रेनिंग लिया प्रॉपर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे आप मुंबई में सिंगर बनने आई हैं? यस सर। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप बहुत बड़ी सिंगर बने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम संतोष लांजेकर है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग सिखाता हूँ मैं बच्चों को और बड़ों को। और अच्छा, मैंने आपका एक फोटो देखा था आपके बेबी के साथ, आप उसको किस कर रहे हो चिक पे। अच्छा जी। तो अभी एक ट्रेंड है कि जहाँ पे शूज और जैकेट, इस पे पेंटिंग कर रहे हैं आर्टिस्ट जो नए हैं। ओके, तो मैं एक जैकेट लाया हूँ जहाँ पर मैंने पेंटिंग की है आपकी, तो अच्छा, मैं आपको दे सकता हूँ ये। अरे हाउस, अरे वाओ, ब्यूटीफुल ब्रदर, बहुत ही प्यारी है यार ये। थैंक यू, इट्स स्वीट, अमेजिंग। शूज पे भी की है? यस सर, ये एक वेनम के है जो हॉलीवुड का एक मूवी है। ओके, तो ये सब पेंट आपने किया हाथ से? वाओ, क्या बात है यार, क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। ये मेरे बेटे की फोटो है, त्रिशान की, कितना ब्यूटीफुल बनाया आपने। ये ऑयल पेंटिंग है क्या? है ये एक्रेलिक पेंटिंग है सर। आपके मोहब्बत के लिए ये भी रखवा दीजिए प्लीज। आग लग गई भाई, शर्मा जी आग लग गई। कहाँ लग गई? मेरे दिल में लग गई यार आग। ये तो आपने खूबसूरती का बूफे सजा रखा है। My God! ये शर्मा जी क्या हुआ? ये क्या सोफे के पीछे कहाँ है? ये देखो। मैं दामोदर जेठ मलानी, यू कैन कॉल मी। कॉल मी क्या? नहीं कुछ नहीं, यू कैन जस्ट कॉल मी व्हेनेवर यू फील लाइक। यू कैन कॉल मी बिकॉज मैं जरूरत से ज्यादा फ्री आदमी हूँ, बहुत फ्री। रेणुका शाह जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैंने अभी ना वो फिल्म देखी, गोविंदा नाम मेरा। ओहो, क्या किरदार किया है आपने, मतलब कैरेक्टर में घुस जाती हैं आप। हाँ। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास भी ना आपके लिए ऐसा एक रोल है। हाँ, लेकिन वो रोल तो है पर आपको करीब 25-30 साल तक उस रोल को निभाना होगा। क्या रोल है? मेरी बीवी का। नहीं आप अच्छा करेंगे, आप मुझे पता है। आशुतोष राणा साहब का पता है आपको? नहीं उनका मुझे पता है, अच्छे एक्टर है, पर मेरी वाइफ बन के अच्छे नहीं लगेंगे वो। नहीं, और कोई उनके लिए रोल रहा तो मैं बताऊंगा। आपको शर्म नहीं आती वकील साहब? शर्म नहीं आती मुझे। मुझे शर्म नहीं आती, मैं कुछ काम ऑफर कर रहा हूँ किसी को, शर्म की क्या बात है इसमें अर्चना जी? बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस आप लोग मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि शर्माता हुआ लगता बड़ा अच्छा हूँ मैं। मेरे ये चीक से ना एकदम पिंक पिंक हो जाते हैं। हाँ मतलब एकदम, मैं एकदम पिंक टमाटर लगता हूँ। तो अगर आप मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, एक बार परिदास जी आप मुझसे कहिए आई लव यू। आई लव यू। ओहो, लग ही नहीं रहा आप ब्लश कर रहे, लगता भालू को जॉन्डिस हो गया। वकील साहब एक बात बताइए मेरे को, आप हाथों पे चल लेते हैं? हाँ तो मैं नहीं चल पाता, क्यों? क्योंकि जो आप शादीशुदा महिलाओं को छेड़ रहे हैं उनके पति टांगे तो तोड़ ही देंगे आपकी। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैंने ऐसी बातें शुरू ही नहीं की अभी तक। मेरे पास बहुत सारी फालतू बातें हैं। मैंने तो I haven't started yet. आपको वो वाली चाहिए? कौन सी? फालतू वाली बातें? मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए, oh my God. दीप्ति जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। देखिए आप नहायत ही खूबसूरत हैं, ये तो सच बात है।
लेकिन एक सैड बात बताऊं, आप कभी ना कमिश्नर नहीं बन सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि नाम है इनका दीप्ति। अब ये कमिश्नर बन गई, लोग इनसे कहेंगे दीप्ति कमिश्नर, दीप्ति कमिश्नर। यार इन फालतू बातों में चैलेंज मत करो मुझे, मैं बहुत हाई लेवल पे जाता हूँ। रिजा निरुल जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैंने देखा अमूमन आप सोशल मुद्दों पे ऐसा आवाज उठाती हैं, नहीं अच्छी बात है। झांसी क्यों ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। क्यों? नहीं, एक बार मेरे दादाजी ने एक मुद्दा उठाया था। क्या था? हमारे गांव में बिजली चली गई, जो काफी दिनों तक फिर गई रहती है। तो मेरे दादाजी को आया गुस्सा, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनके सामने कहा कि भाई क्या फायदा इन बिजली की तारों का, जब बिजली आ ही नहीं रही है, उखाड़ के फेंक दो ये तारे। तारे ली हाथ में, बिजली आ गई। मैंने कभी सर्दियों में दादाजी को इतना कांपते हुए नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा। मैं तो बचाने जा रहा था, पर एक बार को मुझे लगा इस मेकिंग का बूमरैंग। अपना अपना शौक है, मतलब शौक है। फिलहाल तो वकील साहब, ये कोट आपको बीच बीच में खींचना क्यों पड़ता है, इसका ब्लाउज बन जाता है बाद में। थोड़ी थोड़ी देर बाद। बात तो आपकी सही बटन है। बटन खोल ही दी, दिस इज सेफर। क्यों तुड़वाएंगे बेचारे को? सेफ सेफ है, लोहे की तार से लगाया बटन इन्होंने। हाँ, धागा तो टिकता नहीं है। कैसी हैं आप? बहुत ठीक। You know, life is not fair. Why? मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं, आपके गालों में ये डिंपल पड़ती हैं। मैं जब हंसता हूँ, मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। कुछ किया होगा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, अभी कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में क्या, जज साहब जो हैं, उन्होंने मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो बेचारा दुखी हुआ, वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देखकर जो मेरी हंसी निकली है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपको नहीं हंसना चाहिए था ना, उसको उम्र कैद हुई बेचारा। नहीं नहीं यार, पर वो इतने अजीब तरीके से रो रहा था कि मेरी हंसी निकली। बताओ वो कैसे रो रहा था? हंसी निकलेगी कि नहीं? भाई वो तो क्या, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था, इसने थप्पड़ उसने सिर्फ मुझे मारा, वरना कोर्ट में हंस तो सभी रहे थे। He was looking so funny. परी, जैसे आप हंसती हैं आपके गालों में डिंपल पड़ते हैं ना, ये भी जिस सोफे बैठते हैं सोफे पे डिंपल पड़ते हैं। और बताइए दीप्ति जी, मैंने ये भी सुना है कि शाहरुख खान ने आपको ट्रेन किया। अरे शुरू में तो किया था। क्या बात है भाई। वैसे मैं आपको सच बताऊं, सोनू सूद जी मुझे ट्रेन करने वाले थे। किया क्यों नहीं फिर? नहीं, फिर उन्होंने मुझे बस कर दी ना, ट्रेन जाती नहीं थी मेरे गांव। रेणुका जाने जी, एक और बात बताइए, आपने साइकोलॉजी की है ना? मैं आपको बताऊं, मैं भी बच्चों की साइकोलॉजी करता हूँ। कहाँ करते हैं आप? मैं गलियों में बच्चों की साइकोलॉजी। बच्चों की साइकोलॉजी। साइकिलें बेचता हूँ ना मैं, बच्चों की साइकिलें बेचता हूँ। वैसे यार, आप लोग ना आज यहाँ पे आए, एक दिन टाइम निकाल के आप लोग कोर्ट में आइए मेरे साथ। ये क्यों जाएंगी कोर्ट में? मजा आएगा। किसको मजा आएगा? नहीं नहीं, हम सबको मजा आएगा। देखिए कोर्ट में क्या है, माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। आप लोग आएंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सोचिए कि भाई ये लोग कोर्ट में आए हैं और परिदास जी ने भाई मेरे आने का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नाना के साथ होती है नानी, अब आ रहे हैं एडवोकेट दामोदर जेठ मलानी। वकील साहब, आपकी मैं प्रॉब्लम समझ गया। आप ना सुबह उठ के वो खाया करें। क्या क्या क्या? जूते। आप ना बातें बहुत। वो बेचारा कब से लड़का रो रहा है, उसका तबला वापस क्यों नहीं करते आप? दो तो है तुम्हारे पास यार। खैर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं चलता हूँ। मैं आप चल भी लेते। अभी तो पैर टूटे नहीं है ना इनके, आशुतोष जी ने तोड़ा नहीं है। वकील साहब, आप जाना नहीं चाहते या उठा नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं ऐसे जाऊंगा। ग्रुप कर। थैंक यू। चलिए अभी मैं चलता हूँ। चलिए।
दोस्तों एक बार जोरदार ताली हमारे मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, बड़ी मजेदार बातें हुई आपसे और बड़ी मजा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।